सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा शुरुआत में ही सबसे अधिक प्रयत्न लगता है, पर शुरुआत करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटी कदम से होती है। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है दोस्तों, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। आज का पंचांग माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शाम 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:31 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:31 से 4:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 23 फरवरी 2021 दिन मंगलवार। कानूनी मुद्दों के कारण आपको विदेश यात्रा करने की जरूरत पड़ सकती है। नई सामाजिक तस्वीरों, फ्रेश दृष्टिकोण और आध्यात्मिक मार्गों का मजा लें। यह सौभाग्य है जब आप खुले विचारों और कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं। करियर में बदलाव भी संभव है। आज का दिन आमदनी से जुड़ा रहेगा। अपने उधार व आमदनी का अंदाजा लगाना और सही आर्थिक फैसला लेना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। उतार और चढ़ाव दोनों की संभावना है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो यह समझ लो कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। आज दिन की शुरुआत बहुत ही संतोषजनक रहेगी। कुछ पुराने खराब संबंधों में सुधार आएगा। अनुभवी तथा वरिष्ठ व्यक्तियों का आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए वरदान साबित होगा। फोन द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकती है। आज के दिन तय किए गए हर लक्ष्य को पूरा कर पाना संभव हो सकता है, इसीलिए काम के प्रति ध्यान दें, न कि काम की गति के प्रति। जिन लोगों के द्वारा मेलजोल बना रहता था उनके साथ थोड़ी दूरियां महसूस हो सकती है। महत्वपूर्ण बात की बारे में किसी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आप अपने प्रयत्न बढ़ा सकते हैं। काम से संबंधित बनाई गई योजना को वास्तविकता का रूप देने के लिए योग्य व्यक्तियों का साथ मिल पाएगा। सावधानियां, अचानक ही मेहमानों के आगमन से खर्चों की स्थिति रहेगी। आपकी भावुकता का लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास और अहम आपके बनते कार्यों में रुकावट आ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में गलतफहमी की वजह से कुछ तकरार रह सकती है। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में दूरी बनाकर रखें। पति पत्नी या साथी आपके लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और आप उसकी इस भावना की कद्र करते हैं। प्यार में कुछ गुदगुदाते हुए पल चाहिए तो साथी के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा से बढ़कर और क्या हो सकता है। अपने शिक्षक या ट्रेनर के साथ अनबन होगी। आज आपको कुछ ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिसके कल्पना नहीं की होगी। निश्चिंत रहें, रोमांस के मामले में आप भाग्यशाली हैं। किसी से इश्क करना और उसका इजहार करना साहसी बनाता है। सितारों की छांव में अपने भविष्य की योजना बनाने से जीवन के वो पल महकने लगेंगे। बात करते हैं करियर की। आपके शिक्षक या मेंटर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अच्छे भाग्य के साथ साथ अच्छे लोग भी आपके पास हैं। करियर में
आए बदलाव से आप प्रसन्न नहीं होंगे। आज आपकी काबिलियत और गुणों के कारण लोग आपको पहचानेंगे। अपनी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने के बाद कोई आर्थिक निर्णय लें, यह आपके लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए आपकी क्षमताओं या विशेषताओं में भी समय समय पर बदलाव लाते रहें। फायदे के लिए खुद भी बदलें और जब जरूरत पड़े तो अपनी स्ट्रेटजी को भी बदलें। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद को तनाव मुक्त पाएंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। आज के दिन खूब मजे में बिताएं, क्योंकि अच्छा मूड और कम तनाव आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। आज आपको बाहर जाने का भी मौका, इसीलिए खूब मस्ती करें। आज का उपाय, आज शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।